हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। कुक जीत और फैमिली में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ बहुत ही बढ़िया रेसिपी शेयर करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप अगर मेरे वीडियो में न्यू आए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे, बेल को ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि हर मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप ना करें मेरी वीडियो को, तभी तो आपको पता चलेगा कि ये उत्तप्पा पिज़्ज़ा किस तरीके से बनाया जाता है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, यकीन माने फ्रेंड्स, एक बार अगर आपने बना लिया इस उत्तप्पा पिज़्ज़ा को तो दूसरी बार आप ज़रूर ट्राई करेंगे। ये देखिए, आप इसको गर्मा गर्म सर्व करें। आप चाहे तो अपने बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हो, अपने हस्बैंड को भी टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हो, आपके अगर भाई है तो उनको भी टिफ़िन बॉक्स में आप दे सकते हो, किसी को भी आप इसको दे सकते हो टिफ़िन बॉक्स में, या तो घर पर कोई गेस्ट आए हैं या अपने बच्चे उत्तपा या पिज़्ज़ा के लिए ज़िद कर रहे हैं, तो उत्तपा पिज़्ज़ा ज़रूर बना के दीजिए, बच्चे खुश होके खाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम आज आपके साथ सर्व करेंगे पिज़्ज़ा उत्तपा, या उत्तपा पिज़्ज़ा जो भी नाम देना चाहते हो वो दे सकते हो। आपको हम दिखा देंगे, देखिए नीचे से एकदम क्रिस्पी है और बहुत ही बढ़िया है, ऊपर से चीज़ी। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है हमारा उत्तप्पा पिज़्ज़ा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको एक बार घर पे, एक बार अगर बना लिया तो बार बार खाने का मन करेगा और बार बार बनाने का भी ज़रूर मन करेगा। तो अगर आप पिज़्ज़ा बाहर से मंगाते हो उसमें मैदा ऐड किया हुआ होता है, लेकिन ये रवा से बना हुआ उत्तप्पा पिज़्ज़ा है, आप ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स। तो चलो इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं क्या क्या यूज़ करेंगे हम उत्तप्पा पिज़्ज़ा में। तो यहाँ पर चीज़ और बटर हमने यहाँ पर नहीं रखा हुआ है, लेकिन हम चीज़ और बटर का भी यूज़ करने वाले हैं, जिसको हमने फ्रिज में रखा हुआ है, क्योंकि गर्मी बहुत है। यहाँ पर हम निकालेंगे तो पिघल सकता है, लेकिन हमें चीज़ बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होना चाहिए, अभी बाद में हम निकालेंगे। ये हमने 300 ग्राम यहाँ पर बारीक किया हुआ रवा लिया है। आपके पास अगर बारीक रवा नहीं है तो मिक्सर जार में थोड़ा सा दरदरा पीस ले। हमने यहाँ पर एक चम्मच लिया है ब्लैक पेपर और जीरा, जिसको हमने पाउडर ले लिया है बना के, अदरक का टुकड़ा ले लिया है, 4 ग्रीन चिली ले लिए, एक हमने यहाँ पर छाछ ले लिया है, एक कटोरी दही को छाछ बना लिया है, ये हमने लिया हुआ यहाँ पर पत्ता गोभी जिसको बारीक चॉप कर लिया है हमने एक कटोरा भर के, यहाँ पर एक शिमला मिर्च ली है जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है, ये है धनिया पत्ती जिसको धो के बारीक चॉप करके रखा है, ये है चुटकी भर के हींग और स्वाद के अनुसार नमक। तो चलो अब किस तरीके से बनाएंगे, ये एक बड़ा सा बाउल ले लीजिए, उसके अंदर ऐड करना है बारीक किया हुआ रवा, और अभी हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च, पत्ता गोभी। सब्जियां आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हो फ्रेंड्स, ये जीरा और काला मिर्च, ये दो बड़ी ऑनियन है जिसको हम आधा ऐड करेंगे, आधा से थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लेंगे। और अभी हम मिर्ची ग्रीन चिली ली है, हरी वाली मिर्ची, इसको भी बारीक चॉप कर लेंगे। 4 से 5 आप अगर ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो और भी ऐड कर सकते हो। अभी हम चुटकी भर के हींग ऐड कर सकते हैं। अभी हम ऐड करेंगे धनिया पत्ती, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाता है हमारा उत्तप्पा पिज़्ज़ा में। अभी हम ऐड करेंगे छाछ, तो ये दही रात को जमा के रखा था उससे हमने छाछ बना लिया है पानी ऐड करके, और वो भी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे नमक, आप कम ज़्यादा ले सकते हो, ऊपर से रेड चिली और हल्दी भी ऊपर से थोड़ा सा हम ऐड करेंगे, आप चाहे तो किप भी कर सकते हो, आपको नहीं अच्छा लग रहा है रेड चिली तो आप ना ऐड करें, काला मिर्च थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दीजिए। अदरक को हम अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे, अदरक से भी बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाता है फ्रेंड्स, उत्तप्पा पिज़्ज़ा में आप ज़रूर ऐड करिएगा थोड़ा सा। और बारिश में ऐसा कोई नाश्ता मिल जाए तो खाने का मज़ा ही कुछ अलग हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी चुटकी भर के हल्दी और थोड़ा सा रेड चिली डालेंगे, आप अगर नहीं ऐड करना चाहते हो तो दोनों को ऐड ना करें, अवॉइड भी कर सकते हो, इसको ऑप्शनल है ये दोनों।
ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने फ्रेंड्स। थोड़ा सा अभी पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा बैटर थिक लग रहा था सो हम हाथ की सहायता से करेंगे, क्योंकि बेसन है ना नीचे चिपक गया था तो हमने सोचा हाथ की सहायता से अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ऑनियन, शिमला मिर्च, धनिया, जो भी सब्जी ऐड की थी, पत्ता गोभी वगैरह, मिर्ची वगैरह, तो हाथ की सहायता से अच्छे से मिक्स हो चुका है। और भी थोड़ा पानी ऐड करेंगे, हमें एकदम पतला भी नहीं करना है, एकदम थिक भी नहीं रखना है बैटर को। देखिए इस तरीके से हमने रेडी कर लिया है बैटर को, देख सकते हो आप कितना बढ़िया हमारा बैटर रेडी हो चुका है। उत्तप्पा पिज़्ज़ा के लिए रेडी है हमारा बैटर। यहाँ पर हमने ले लिया है नॉनस्टिक तवा, इसके ऊपर लगाएंगे ऑयल, रिफाइंड ऑयल है। आप जो भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, करते हो घर में, वो ऐड कर सकते हो। अभी हम इसके ऊपर उत्तप्पा का बैटर फैलाएंगे, थोड़ा सा मोटा मत करें फ्रेंड्स इसको, थोड़ा सा पतला ही फैलाए, एकदम पतला भी ना करें नहीं तो उत्तप्पा पिज़्ज़ा फट सकता है। देखिए इस तरीके से हमने फैला लिया है और इसके ऊपर हम ऐड करेंगे ऑयल। इसको ढक्कन लगा के पकाना है ताकि इसके अंदर जो भी सब्जी ऐड की हुई है वो अच्छे से पक जाए। 3 मिनट के बाद हमने इसको ओपन कर लिया है, ढक्कन लगाया था वो, अभी हम इसको चेक करेंगे हुआ है कि नहीं, नहीं तो वापस हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे ताकि सब्जियां अच्छे से पक जाए और ये उत्तप्पा भी सेट हो जाए। इसको पकने दे अच्छे से, नहीं तो फट सकता है आपका उत्तप्पा। देखिए फ्रेंड्स अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है हमारे उत्तप्पे का, तो और भी हम इसको नीचे की साइड से भी क्रिस्पी कर लेंगे, मीडियम गैस के ऊपर पकाएंगे, क्रिस्पी कर लेंगे। और ये अमूल का बटर ले लिया है हमने, आपके पास अगर घर का बटर है, गाय का या भैंस का, तो वो भी यूज़ कर सकते हो आप। बटर इसके ऊपर इस तरीके से फैला देना है अच्छे से, मेल्ट हो जाएगा अपने आप बटर, क्योंकि उत्तप्पा पिज़्ज़ा हमारा ऑलरेडी गर्म है और बटर और चीज़ से इसका जो टेस्ट है बहुत बढ़िया आ जाता है फ्रेंड्स। तो ये एक जो सिंपल सा बनाया हुआ है ये मेरी बेटी को दूंगी, क्योंकि उसको जो ये चीज़ नहीं पसंद आती है, तो उसको एक सिंपल सा निकाल के पहले दे देती हूँ। देखिए इस तरीके से हमारा उत्तप्पा रेडी हो जाएगा, उत्तप्पा पिज़्ज़ा। तो ये सिंपल सा मेरी बेटी को दे दिया है, उसको चीज़ नहीं पसंद है पता नहीं क्यों। और अभी हम दूसरा उत्तप्पा पिज़्ज़ा बना रहे हैं, वो हम ऐड करेंगे इसके अंदर चीज़, और आप देखते जाइए बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इसको फैलाएंगे हाथ की सहायता से। इसीलिए फैलाते हम हाथ की सहायता से, अच्छे से गोल गोल बनता है और अच्छे से फैल सकता है, नहीं तो रवा जो एक ही जगह पे चिपक जाता है तो थोड़ा सा मोटा हो जाता है। अभी हम ऊपर ऑयल छिड़केंगे, रिफाइंड ऑयल, और ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हमने इसको ओपन करके चेक कर लिया है, देखिए इस तरीके से हमारा उत्तप्पा पिज़्ज़ा रेडी हो रहा है। अभी हम ऊपर ऐड करेंगे अमूल का बटर, बटर से इसका जो फ्लेवर है बहुत बढ़िया आ जाता है, बहुत टेस्ट बढ़ जाता है हमारे उत्तप्पा पिज़्ज़ा का, तो आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। अभी हमने गोवर्धन का यहाँ पर लिया हुआ है चीज़, तो इस तरीके से हम पैकेट के अंदर ही रखा हुआ है, क्योंकि हाथ में चिपके ना, इसके वजह से हम इसी तरीके से कद्दूकश कर लेंगे ऊपर चीज़ को। आप चीज़ अगर कम ज़्यादा करना चाहती हो तो ले सकती हो कम ज़्यादा। देखिए हम इस तरीके से उत्तप्पा पिज़्ज़ा के ऊपर चीज़ इस तरीके से फैला देंगे और वापस हम इसके ऊपर 1 से 1.5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के छोड़ देंगे ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। देखिए इस तरीके से हम कट करेंगे इसको। अभी मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं नहीं मुझे कट नहीं चाहिए, ऐसे ही दे दो, तो हमने उनको ऐसे ही दे दिया है। अभी हम ये कट करके भी आपको दिखा देंगे, क्योंकि हमारा ये नाश्ते का टाइम है और गर्मा गर्म सब लोग खाते जा रहे हैं और मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। तो देखिए ये दूसरा उत्तप्पा मैं आपको दिखाती हूँ कट करके अभी, तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। और गर्मा गर्म ऐसा नाश्ता अगर बारिश के मौसम में या ठंडी के मौसम में मिल जाए तो बात बन जाए, सही कहा ना फ्रेंड्स। और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, आप सोचेंगे कि टाइम लगेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। जैसे हम पिज़्ज़ा बनाते हैं तो उसके अंदर टाइम लगता है और मैदा भी होता है उसके अंदर, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए रवा बहुत अच्छा होता है, बहुत सारी सब्जियां हैं इसके अंदर और ऊपर से चीज़ और नीचे से क्रिस्पी करना है इसको,
तो पिज़्ज़ा भूल जाएंगे आप खाने का फ्रेंड्स, इतना बढ़िया लगता है ये उत्तपा पिज़्ज़ा। देखिए नीचे से हमें इस तरीके से क्रिस्पी करना है और इस तरीके से हम कट कर लेंगे पिज़्ज़ा को। देखिए उत्तपा पिज़्ज़ा को बहुत गर्म है तो संभाल के कीजिएगा आप भी, और आप चाहे तो एक प्लेट में निकाल के भी कर सकते हो, पर अगर इस तरीके से करेंगे ना तवा के ऊपर ही तो क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छे से कट हो सकता है। तो हम देखिए कट कर लिया है हमने पिज़्ज़ा उत्तपा पिज़्ज़ा को। देखिए हम आपको दिखा देते इस तरीके से, देखिएगा फ्रेंड्स सच में यकीन माने फ्रेंड्स, आपने अगर नहीं बनाया है अभी तक इस तरीके का नाश्ता तो आप ज़रूर बनाइएगा। मॉर्निंग हो या आफ्टरनून हो या इवनिंग हो या बच्चों का टिफ़िन बॉक्स हो, आप कभी भी इसको बना के देख सकती हो। देखिए कितना बढ़िया सा हमारा उत्तपा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो चुका है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस्टी यम्मी बन के रेडी हो चुका है उत्तपा। आप भी इस तरीके का नाश्ता घर पर सबको बना के दीजिएगा, सब लोग बहुत ही खुश हो जाएंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय बाय।